नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके स्पेशल क्लासेस। पीके स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत। देखिए दोस्तों, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का शासनाधेश देखिए यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे पूरी बात करेंगे। वैसे आपको पता हो गया 69,000 के आसपास जो है ये भर्ती आ चुकी है। यहाँ पे चलिए देखते हैं शासनाधेश में कार्यक्रम पूरा जारी हो चुका है। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पहली बार हैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार से उनको अपडेट मिलता रहेगा और आप लोग का सुपर टेट की तैयारी अब स्टार्ट होने वाली है जल्द से जल्द। चलिए पूरा देखते हैं कि कब कब पेपर है, इस पर पूरा जो है निर्धारण अवधि है, कब कब आप लोग का एग्जाम होगा, कब पूरा चीज़ में देखते हैं, कार्यक्रम विवरण देखते हैं। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, विज्ञापन का जो है प्रकाशन वह 5 तारीख को हो जाएगा, 5/12 को आ जाएगा और ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा आपका 6/12 अपराह्न से। ऑनलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है वो 20/12 को शाम 6 बजे तक है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपने कि आपको करना है तो आप सबसे पहले ही दोस्तों यहाँ पे कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि साइट लोड हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। इसे वेबसाइट पे आप लोग तुरंत रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, तो ये आपका है 21/12/2018 का। आवेदन पूर्ण करने के लिए, पूरा आवेदन को प्रिंट करने के लिए अंतिम तिथि जो है ये 22 तक आप लोग प्रिंट करते कर सकते हैं 6 बजे तक। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण ये है, ये 21/12 तक जो है परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों, नीचे लिखा हुआ है कि मंडल मुख्यालय जनपद के जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारण आपका 23 का हो जाएगा। मंडल मुख्यालय के जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारण करके केंद्रों की सूची, छात्र आवंटन, ये सब सारा चीज़ें हो जाएंगी 24 तारीख में, 24/12 को। इसके बाद है केंद्रों की सॉफ्ट कॉपी NIC लखनऊ को प्रेषित करने की जो अंतिम जो तिथि है वो 26/12 को है। इसके बाद है वेबसाइट पर लोड, प्रवेश पत्र वेबसाइट पर लोड करने की तिथि एवं समाचार पत्रों में लोड होने की सूचना 31/12 तक जो है ये वेबसाइट पर लोड हो जाएगा एडमिट कार्ड। इसके बाद है NIC लखनऊ द्वारा उपस्थित पत्र प्राप्त करने की तिथि ये 2/1 यानी कि चला गया दोस्तों यहाँ पे 2019 को, तो 2/1 को है। इसके बाद अभ्यर्थियों के स्कैन किए हुए फोटो युक्त उपस्थिति पत्र केंद्र व्यवस्थापक को प्राप्त कराने की तिथि तो यह 4/1/2019 तक यह हो जाएगा। इसके बाद है डबल लॉक में रखने हेतु प्रवेश पत्र एवं उत्तर पुस्तिका इसमें है डबल लॉक में रखने हेतु ये प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका जनपद के मुख्यालय में पहुंचाने की तिथि, तो यहाँ पे देख सकते हैं डबल लॉक बहुत अच्छा सिस्टम बना दिया गया है सरकार द्वारा, तो ये 4/1/2016 को हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं शासनादेश में क्या चीज़ दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों है नीचे आप देखेंगे निचले वाले पेज में, तो यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा समाप्ति के उपरांत OMR उत्तर पत्र के सील्ड डबल बेंच सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त कराने की तिथि तो 7/1/2019 तक हो जाएगा। इसके बाद है उत्तरमाला को वेबसाइट में जारी करना, आप लोग का जो उत्तरमाला आएगा वो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 8/1/2019 को आएगा। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि वेबसाइट पर जारी उत्तरमाला पर आपत्ति जो है 11/1 समानांक मांगा जाएगा। अंतिम तिथि याद रखिएगा, अंतिम तिथि जो है यह 11/1 शाम 6 बजे तक होगा। इसके बाद प्राप्त आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ की समिति गठित करके उसके निराकरण करने की तिथि है 18 तक आपका जो है निराकरण हो जाएगा। उसके बाद जो है आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ की समिति द्वारा पूर्व की गई उत्तरमाला के अध्ययन की वेबसाइट पर डालने की जो संशोधित आंसर किया जाएगा वो 19/1 को आ जाएगी। इसके बाद उत्तर पुस्तिका पूर्ण मूल्यांकन करा के परीक्षाफल यानी आपका रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो 22/1 को आ जाएगा। इसके बाद जो है लास्ट में है परीक्षा फल घोषित होने की उपरांत संबंधित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण यानी कि आपका जो है प्रमाण पत्र प्रेषित करने की तिथि जो है परीक्षा फल घोषित होने के 1 माह पहले ये आयोग कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा यानी फाइनल उसमें परीक्षा फल वो 22/1 को आ जाएगा, 22/1/2019 को आपका आ जाएगा। तो बहुत अच्छा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत लोगों के लिए आ चुका है, 69,000 जो है वैकेंसी आ चुकी है डेट वाले, तो आप लोग तैयारी करिए सुपर डेट की तैयारी जल्द से जल्द इस वीडियो इस चैनल पे हो जाइए, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार से आपको अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।